अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.12 क्लास 12 फिजिक्स का करने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सोचने वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो क्या वो लूप इस तरीके से घूम सकता है क्या, यानी कि उस पर टॉर्क ऐसा काम कर सकता है जो कि इस लूप को ऐसे ऐसे घुमा दे, यानी ऐसे घुमाने का मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से ऐसे घूम जाए। जब भी कॉइल घूमता है तो याद रखना ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये ऐसे घूम जाए पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन कैसे इसको हम अब आपको लोग को समझाते हैं। देखा जाए जरा सा, पहले एकदम सिंपल तरीके से आप जान लो कि टॉर्क का तो एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, टॉर्क बराबर आई इंटू ए क्रॉस बी, ये भी है और एम क्रॉस बी ये भी है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वही डायरेक्शन होता है जो एरिया वेक्टर का होता है, क्योंकि आई इंटू ए मिल के ही तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो हम इस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन में वही है तो उसके हिसाब से भी चल लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन बोले चाहे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक ही बात है। तो इस पर बात करते हैं, देखा जाए जरा सा ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप देखो तो ये साफ साफ बता रहा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब आपको टॉर्क मिलेगा। इसका मतलब ये जो टॉर्क है ना ये मस्ट बी परपेंडिकुलर टू क्या, एरिया वेक्टर भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो देखो टॉर्क को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर पर, यानी कि अगर क्या एरिया वेक्टर किधर है, ये ऐसे मतलब इधर बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है इधर, तो जो टॉर्क है ना वो टॉर्क हमेशा क्या होना चाहिए इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए चाहे किधर भी डायरेक्शन में हो, यही ना बात है, परपेंडिकुलर कभी भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये होना चाहिए, ये इक्वेशन से साफ हमको समझ में आता है। और ये टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा है, मैग्नेटिक फील्ड चाहे किसी भी दिशा में हो हम सजाने का कोशिश करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जरा सा सोचो तो आप, टॉर्क अगर ये ऐसे घूमता है तो टॉर्क का डायरेक्शन तुम कैसे निकालोगे, टॉर्क का डायरेक्शन निकालने आता है आपको, अगर ये इस तरीके से घूमता है तो टॉर्क जरा सोच सकते हो कैसे होता है। देखो क्या आते क्लास 11th में वहाँ पे रोटेशन चैप्टर में बताया जाता है टॉर्क निकालने का तरीका, अगर कोई इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है तो अपना राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करो इस तरीके से, तो अंगूठा जिधर आएगा वो टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ऐसे घूम रहा है मतलब ऐसे कर्ल किए तो अंगूठा इधर हो गया टॉर्क का डायरेक्शन, ये टॉर्क का डायरेक्शन, लेकिन अगर ये इधर हो गया टॉर्क का डायरेक्शन, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो फिर फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, अंदर के तरफ। तो आप जरा से सोचो अगर ये ऐसे घूमता है तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर के तरफ, तो इधर आ गया टॉर्क। और एरिया वेक्टर भी क्या था, अभी एरिया वेक्टर भी आप ऐसे ही निकालते हो, इधर करंट के दिशा में ऐसे फिंगर कर्ल करोगे तो अंगूठा जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही और टॉर्क भी आप इधर ही, तो जिधर टॉर्क और एरिया वेक्टर करंट के दिशा में अगर फिंगर घुमाएंगे या फिंगर घुमाएंगे से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और यानी यू कहे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिलता है, और वो डायरेक्शन भी इधर आ रहा है, और इस ये अगर ऐसे घूमता है तो टॉर्क भी तो क्या आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो पॉसिबल नहीं है, दोनों को तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना इस इक्वेशन से, इसीलिए कहेंगे कि ये क्या है भाई, नॉट पॉसिबल, किसी भी सिचुएशन में ये ऐसा काम नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे भी घूम जाता, अगर ऐसे भी घूम जाता तो क्या दिक्कत था, मान लो करंट ऐसे है तो एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर आ गया, और ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क क्या उधर हो गया। तो टॉर्क और एरिया वेक्टर, टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों एंटी पैरेलल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों को तो परपेंडिकुलर होना है, एरिया वेक्टर को और इसको दोनों को क्या होना है, परपेंडिकुलर। लेकिन चाहे अगर ऐसे घूमे या फिर ऐसे घूमे, दोनों कंडीशन में क्या कहते हैं एरिया वेक्टर के या तो डायरेक्शन में हो जाएगा टॉर्क, या तो एरिया वेक्टर के उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा टॉर्क, जबकि इक्वेशन के अनुसार उसको क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, इसलिए पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ हम इसका दे देंगे डिस्क्रिप्शन में कि कैसे लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बी नंबर पर, इसी का बी नंबर जो है, बी नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बताइए कि जो क्वाइल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरीके से रहेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग पहले भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कंडीशन में पढ़ चुके हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा बराबर, उसमें जो डायपोल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो थीटा बराबर 180 डिग्री पे होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा बराबर क्या कहते हैं 0 डिग्री। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना,
स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एमनवर लिख करके सर्च करोगे तो मेरा वीडियो भी मिल जाएगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए भाई, यानी कि टॉर्क जो है मेरा वो होना चाहिए जीरो, टॉर्क नहीं लगना चाहिए। और जीरो डिग्री एंगल पर टॉर्क जीरो होता है, क्वाइल अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या उधर ही, एरिया वेक्टर भी इधर और ऐसे क्वाइल है तो ऐसे क्या ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना, एरिया वेक्टर भी उधर मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो टॉर्क बराबर क्या आई इंटू ए क्रॉस बी या फिर आई इंटू एम क्रॉस बी लिखते हुए तो आई इंटू ए बी आज साइन जीरो डिग्री, तो साइन जीरो सबको क्या करता है जीरो, तो टर्क नहीं लगेगा तो इक्विलिब्रियम में है, ये घूमेगा नहीं इसका मतलब ना, या फिर ये आई एज एरिया वेक्टर जिधर होता है वही तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी उधर, तो ये इस तरीके से रखेंगे थीटा मेरा जीरो डिग्री होना चाहिए। और इस कंडीशन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड तो बी है ही लेकिन इसमें जो करंट ऐसे घूम रहा है तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उधर होगा सेंटर पर, जो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ये भी क्वाइल की वजह से वो भी उधर ही होगा, तो दोनों एक ही दिशा में, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो सेंटर पर बन रहा है इस क्वाइल में करंट ऐसे घूमने के कारण वो भी मिलके ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसी में करंट उल्टा ऐसे घूम रहा होता तब तो फिर गलत हो जाता, तब कंडीशन अलग हो जाता ना। तो हमको खैर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो तो करंट के ही हिसाब से ना होता है, करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो उसके दिशा में आप फिंगर घुमाओगे तो अंगूठा हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, तो करंट इधर एरिया वेक्टर और ये दोनों मेरा जीरो डिग्री एंगल पर होना चाहिए, यानी दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब साफ है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर करंट उधर घूम रहा है इसी हिसाब से, ताकि एरिया वेक्टर भी उधर ही आ जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखना है थीटा जीरो डिग्री, तभी तो मेरा क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ज़्यादा हमको मैक्सिमम देगा। अब देखो आप सी नंबर में बात करते हैं, सी नंबर बहुत आसान है, इसे बोल रहा है क्या कि हम लोग जो है इरेगुलर शेप का यानी कि अटपटा टाइप का किसी तरीके का क्वाइल है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो जो है क्वाइल के आते मतलब किसी भी तरीके से घूम फिर सकता है, मतलब स्ट्रेच हो सकता है, खिंचा उचा सकता है, ऐसे ऐसे खिंचा सकता है, सिकुड़ सकता है, फ्री है यानी कि धागा के जैसा एकदम आराम से, या फिर बहुत पतला हो तार का है लुचपुच एकदम, तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है ना उस वो क्या होगा फैल करके बिल्कुल ऐसा सीधा हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो ऐसा होगा क्या, हाँ सही में होगा ऐसा, उसका कारण क्या है तो ये भी आप समझ लो, बहुत लोग बोलते हैं ये वो दिस दैट क्लक्स क्लक्स इधर उधर बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं, देखा जाए जरा सा क्या है कॉन्सेप्ट कि जैसे इसमें करंट इधर चल रहा है तो करंट जब इधर आपको चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ, तो करंट की दिशा हम फिंगर करेंगे तो राइट हैंड का, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो क्या होगा मेरा इधर फोर्स लगेगा इस पर, करंट करेंगे इस पर इधर फोर्स लगेगा और मैं करंट इधर आ रहा है, ये करंट की दिशा में अपना फिंगर करो हथेली किधर करोगे मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, तो अंगूठा बताता है ना उधर, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, करंट की दिशा में अपना क्या करो फिंगर करो राइट हैंड का इन रूल है, किसी भी करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपना हथेली रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और क्या कहते हैं करंट की दिशा में फिंगर, तो अंगूठा क्या बता रहा है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा एफ बी उधर लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा इधर लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा इधर लगेगा, जब हर और यहाँ पे जब करंट इधर ऐसे जा रहा है तब किधर लगेगा, इस तरीके से ना मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हथेली करंट के दिशा में अपना फिंगर तो अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, तो ऐसे होगा तब, तो फिर ये क्या हो जाएगा ये इस तरीके से फैल जाएगा कि नहीं, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये हर तरफ से बाहर की तरफ फोर्स आएगा तो खिंचाएगा, खिंचा करके फैले फैले कहाँ तक फैलेगा पूरा फैल जाएगा, जैसे कि बलून में आप हवा भरते हो हर तरफ से लगता है तो क्या होता है बलून गोल फूल जाता है, उसी तरह से ये भी ये मेरा सिंपल ही हो जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन लोग कहते हैं क्या कि हाँ इसी में अगर क्या होता है करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, अगर इस तरीके से ना हो करके करंट का डायरेक्शन ऐसा होता तब फिर क्या होते हैं करंट ये इधर इस तरीके से ये क्या होता इस तरफ ऐसे लगता और इस पर क्या होते हैं इधर ये आता तो करंट ये क्या इस तरीके से इधर लगता तो क्या सिकुड़ता, सिकुड़ने के बाद ये इधर आता ऐसे ऐसे फैलता फिर ये इधर ऐसे हो जाता तो फिर उल्टा ऐसे करके फैल जाता लेकिन फिर भी फैलता ठीक। तो लोग बोलते हैं क्या कि फ्लक्स होगा, अरे भाई फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स तो उधर आगे है ईएमआई में पढ़ना है तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ क्या इस्तेमाल करना है, ऐसे लोग बोल देते हैं लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि अरे भाई फ्लक्स मैक्सिमाइज करने के लिए एरिया बढ़ जाता है अपने आप। खैर छोड़ो, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या आते हैं एक आगे के चैप्टर है ईएमआई में है क्या आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है ई ए कॉस थीटा उसी तरीके से होता है यहाँ क्या आते हैं बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे ये जो
फ्लक्स है उसको बढ़ाने के लिए एरिया वेक्टर एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ये लोग कहते हैं तो कह देते हैं अभी लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं वो देखो आप, मैग्नेटिक फोर्स लगता है बाहर की तरफ कॉइल में तो फैल जाता है, और अगर उल्टा डायरेक्शन में भी करंट है अंदर भी लग रहा तो ये वायर इधर, ये इधर आया आकर के फिर इधर से इधर चला गया तो फिर तो फैल गया। तो खैर ये सब चीज़ है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। मिलते हैं हम लोग अगले किसी क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।